चंडीगढ़ में आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वाधान में विधायकों के लिए योगासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायकों ने योगासन किया। वहीं इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मन का तनाव जब दूर होता है तो निश्चित रूप से जीवन सुखी होता है। योग हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मित्रों, देखिए, जैसे हमको पता है कि हमारा जो विधायकों का काम है, मंत्रिमंडल के साथियों का काम है, इसमें समाज की छोटी बड़ी सब समस्याओं को लेकर के विचार करना, पक्ष विपक्ष का आपस में वार्तालाप, तो मैं समझता हूँ कि विधायकों का जो तनाव है वो ऐसे अवसर पर कुछ बढ़ता है। मैं श्री श्री गुरु रविशंकर जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे अवसर पर चुना जब विधायक आकर के बैठेंगे और इस मन को संतुलन करने के लिए, मन का तनाव कैसे खत्म करना है, इसका जो हमने उन्होंने एक व्याख्यान दिया है और वो अब अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ हमारा होना ही है। तो मैंने तो निवेदन किया है कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम हमको देते रहेंगे और न केवल हमें बल्कि समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं, वर्ग होते हैं जो तनावग्रस्त हमेशा रहते हैं। मन का तनाव दूर होता है तो निश्चित रूप से जीवन सुखी होता है। वो किसी भी व्यक्ति का हो, किसी को, तो समाज को एक संतुलित बनाने के लिए, एक दिशा में, ठीक दिशा से आगे बढ़ने के लिए सब लोगों को योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जैसा योग को देश से बाहर दुनिया में एक स्थान दिलाने के लिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक संकल्पना को UNO में मंजूर करवाया, एक बहुत बड़ा ये विषय है। तो योग हमारे जीवन को, यानी साधना के रूप में जीवन को, मन को एक सुखी करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इसका ये जो दिनचर्या का प्रबंधन है, एक बहुत बड़ा सहयोगी एक तत्व है कि हाँ, अगर सवेरे से लेकर शाम तक अपने नियमित दिनचर्या को करके और उसमें योग को भी एक स्थान दें तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। मैं लगभग 45 मिनट का समय इस काम के लिए सुरक्षित रखता हूँ। प्रातःकाल उठने के बाद और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 45 मिनट योग का अभ्यास, ये मेरा नियमित क्रम है। कोई इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा रोज़ाना ये सब शारीरिक भी होता है, इसमें मन भी संतुलित रहता है, तो इन सब बातों का लाभ निश्चित रूप से मुझे मिलता है। और जैसा आज गुरुजी ने भी बताया कि प्रातःकाल उठ करके तो तनाव मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि हम बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के 10-15 मिनट का ध्यान करें। कोई अपनी जिम्मेवारी ना समझें, कोई कुछ ना समझें, और जैसे मन को खाली करके, विचार शून्य होकर के अगर हम थोड़ा ध्यान करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है।